जाया कर, हौसला अजमता यूं बढ़ाया कर। विदिशा से उनका बुनियादी ताल्लुक, वो विदिशा से दिल्ली आए और दिल्ली आकर उनकी किताबें छपी, मुशायरों में शरीक हुए और दिल्ली से वो पूरी दुनिया के हो गए। मैं आलोक श्रीवास्तव की बात कर रहा हूँ। आलोक की खूबी ये है कि उन्होंने अपने लिए वो रास्ता नहीं चुना जो बुजुर्गों का बना बनाया रास्ता था, उन्होंने एक अलग राह चुनी है। वो आज के दौर में भी अपनी शायरी के जरिए कबीर की बात करते हैं।